जी मैम, बिल्कुल साफ आ रही है आपकी आवाज़। जिस तरह से आप अपने चैनल में बोलती हैं, आपकी जो ठेठ हरियाणवी जिस तरह की है मैम, अच्छा बिल्कुल वैसी तो आवाज़ आ रही है। बिल्कुल, तो अब मुझे क्या है कि हरियाणवी बोलनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलो हरियाणवी में मैम आप जी, आप बिल्कुल मैम, आप जिस लैंग्वेज में चाहें उस लैंग्वेज में कम्युनिकेट कीजिए मैम। हमारे दर्शक ये चाह रहे थे कि आप बिल्कुल ठेठ अपने अंदाज में एक बार अपने दर्शकों को राम राम बोल दीजिए मैम। आज सारे ने जो भी चैनल पर लाइव जुड़न लाग रहे सर, मैंने देखने लाग रहे सर, सारे ने हाथ जोड़ के राम राम और ये बदो फारे बोर ऐसा है। तो मैं उम्मीद करूँ सू के सारे के घर परिवार के लोग भी सब राजी होंगे, सबके घर पर में बरकत हो रही होगी। और जो मेरे किसान भाई से उन पे खास तौर पे मैं कहना चाहूँ सू के भाईयो, देखो यो जो टाइम से यो सब ताई ये समस्या भरा टाइम से, आप लोग इस वक्त में भी किसान परिवार से सुख समस्या फेस करने लाग रहे होंगे, लेकिन समस्या जो से वो चालन लाग रही है, हर किसी के घर परिवार में चालन लाग रही है। नए खून की गेला नई फसल की तैयारी करनी से। जी मैम, एक बार मैम आपका परिचय दे दूं मैं फिर से, कि आपके दो रूप हैं मैम, पर्सनल और प्रोफेशनल। जिस तरह से आप आपके व्यक्तिगत जीवन की बात करूं तो आप कथुरा गांव से बिलोंग करती हैं, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से, और आपने बीकॉम किया है, एमजेएमसी किया है, और अभी आप लॉ कर रही हैं। और आपका प्रोफेशनल लाइफ की अगर मैं बात करूं तो आपने अलख हरियाणा, एनडी हरियाणा, और फिलहाल आप एसटीवी हरियाणा न्यूज में काम कर रही हैं। तो मैम सबसे पहला सवाल कि छोटा सा गांव कथुरा और इतना बड़ा सपना एंकर बनने का, प्रेरणा ये क्या कहां था से मिली कि मैम? मैं बचपन से ही बड़ी विद्रोही स्वभाव की लड़की थी, तो क्यों आकर मेरे घर परिवार में कोई नहीं पढ़ रहा, ना मेरी बुआ पढ़ रही, ना मेरे ताऊ की छोरी पढ़ रही, ना हमारे आस पड़ोस में कोई छोरी पढ़ी। तो मैं उन तमाम लड़कियों की जिंदगी तब देखती थी ना, तो मेरे मन में एक टीस आती थी कि किस तरीके का जीवन जी रही हैं, कितनी दुखी हैं, बिना शिक्षा के, बिना उनकी स्वच्छंदता नहीं, उनके विचार नहीं, और क्यों भी नहीं था कि हम नू कह लेके उनकी जिंदगी में उनके निर्णय लिए जा रहे हैं। तो एक बंदी हो जिंदगी उनकी थी। तब मैं देखा करती अपने आसपास की महिलाओं की जिंदगी, अपने काकी ताइया की जिंदगी, घूंघट तबार तक मैं था को ना, घर तबार निकल गई तो वो घूंघट, घर में आ गई तो घूंघट 2 मिनट ताई उतार लिया। तो तमाम ये चीजें देखी, तो उसके बाद मेरे मन में ये चीज आई कि तुम्हें पढ़ना है, आगे बढ़ना है, बोलना है, जो समस्याएं जो चीजें तुम्हें किसान परिवार में रह के देख रही हो उन समस्याओं को उठाना है, वो चाहे तुम लिख के उठाओ चाहे तुम बोल के उठाओ। तो मेरी पढ़ाई 12वीं तक मेरे गांव में ही हुई, मेरे गांव के, और क्या हुआ कि 10वीं क्लास में मैं ब्लॉक टॉपर बनी और घर परिवार वाले सभी लोग खुश हुए कि हमारी छोरी तो बड़ी पढ़ाकू है, और सुबह घर का काम करके हमें स्कूल जाना होता था, गोबर कूड़ा सबके घर हम हुए थे। और फिर उसके बाद मैं स्कूल जाती थी और फिर आके फिर दोबारा माता खेत का भी काम करती थी, हमें घर का भी काम करना होता था, तो पानी नहीं आया करता, पानी भी इस तरीके से संघर्ष करके हम लोग भरते थे, कुएं से लेकर आया करते। तो फिर 10वीं में बहुत अच्छे नंबर आए, तो उसके बाद मैंने सोचा कि मैं आगे की स्ट्रीम में क्या करूँ, तो मन में आई कि मैं मेडिकल की पढ़ाई करूंगी, मैं बहुत अच्छी डॉक्टर बनूंगी। तो तब मेरे गांव के आसपास कोई ऐसा स्कूल नहीं था जहां पर मेडिकल की पढ़ाई होती हो, और बाहर इतना आर्थिक जो स्थिति है वो भी नहीं थी कि मैं बाहर पढ़ाई कर सकूं, या उस तरीके का माहौल हुआ हो, या कोई लड़की पहले गई हो, ऐसा नहीं था। तो 2011 में मैंने +2 पास आउट की, और 11वीं क्लास में तब मैं हुई तो स्ट्रीम जो है वो मेडिकल नहीं थी, नॉन मेडिकल मेरे गांव में नहीं थी। तो मैंने अपनी प्रिंसिपल से बात की कि कोई तो स्ट्रीम ले आओ आप, आर्ट्स स्ट्रीम से इस गांव की 1000 लड़कियां पढ़ रही हैं, मैंने तो सारी लड़कियां ही शादीशुदा जीवन व्यतीत करती नजर आई हैं, कोई कोई लड़की जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है वो पढ़ती हुई नजर आई हैं, नहीं तो सारी लड़कियां ऐसे तो रही हैं, उनका जीवन ऐसे ही तो संघर्षमय रहा है। तो फिर उन्होंने कहा कि तुम 20 लड़कियां इकट्ठी कर लो, कॉमर्स की जो टीचर है तुम अपने बिहाफ पर लेकर आओ, और उसके बाद तुम लड़कियों को इकट्ठा करो और टीचर हम बुलवा देंगे लेकिन पैसे तुम्हें देने होंगे। हम 20 लड़कियां इकट्ठी हुई और मैंने तमाम लड़कियों को समझाया कि हमारी जिंदगी का सवाल है, हमारी जिंदगी ना भी बनी तो गांव की जो तमाम लड़कियां जो आगे पढ़ना चाहती हैं, जो बढ़ना चाहते हैं, देखो उनकी भी हम एक नींव रखेंगे। तो बहुत सारा सपोर्ट रहा, उन 20 लड़कियों को मैंने समझाया, कॉमर्स स्ट्रीम की मेरे सेशन में शुरुआत हुई, और किताबें नहीं थी उस वक्त, और फिर हम किताबें खरीदने के लिए सोचे कि हम शहर से किताबें इतना नहीं ले सकते कि किताब का जो रेट है वो 700 रुपए से लेकर 500 रुपए तक का था, और हम तो किताबें भी जैसे कोई पढ़ लिया तो उसने आध मोल की किताब क्या करते, तो हम तो वो ही खरीदते थे। ये मेरे लिए बड़ा वो था कि अब मैं तो अकेली इस चीज में फंस चुकी हूँ, तो दूसरी लड़कियां किस तरीके से, इनको किस तरीके से उभारा उभारा जाए। तो फिर एक दो जो गांव के लड़के थे, गांव के बॉयज स्कूल में थी कॉमर्स, तो फिर वहां एक दो की जो किताबें हैं वो हमें मिल गई थी, और कई लड़कियों के पास किताबें नहीं थी, हम ऐसे ही किताबें लिए देके पढ़ते थे, और मैं कॉमर्स में
अपने गांव की पहली टॉपर लड़की बनी, कोई ट्यूशन नहीं था, 93% मेरे मार्क्स लिए थे, तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात भी थी, दूसरी लड़कियों ने भी काफी सराहा। और फिर उसके बाद ये बात आई कि मैं पढ़ूं कैसे, आगे की पढ़ाई मैं करूं कैसे, तो गांव था यहाँ पे, तो गोबर कूड़ा तड़के करके आ जाया करते, सांझ में फिर घर का काम कर लिया करते। भीतर बहुत सारी चीजें छुपी हुई थी, मुझे अभिनय का शौक रहा, मुझे गाने का शौक रहा। फिर उसके बाद मेरे पिता ने कहा कि तमाम लड़कियां जेबीटी कर रही, तुम भी जेबीटी करो। मेरी माँ ने भी कहा कि फलाने की छोरी जेबीटी करे, तू भी जेबीटी कर ले। तो फिर मैंने कहा कि माँ जेबीटी जाबीटी मेरा कति मन नहीं सर, जेबीटी पढ़ने का है, जेबीटी करण का कुछ तो हम अलग कराई, जेबीटी कर रही से मेरा तो अलग ध्येय है, अलग उद्देश्य के साथ मैं जन्मी हूँ। तो फिर मेरे मन में यही आया कि मैं बाहर कॉलेज में पढ़ाई करूँ। मैंने आईसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया, और सरकारी कॉलेज था तो 2001 फीस थी, और उसके बाद मुझे हॉस्टल भी मिल गया था, तो मैं हॉस्टल में वहां पर मैंने पढ़ाई शुरू कर दी थी। और इसी बीच परिवार वालों ने मुझे सहयोग इतना दिया कि चलो ठीक है तुम पढ़ लो तुम्हारी इच्छा, लेकिन शिकायत नहीं आनी चाहिए। जो कर गांव में क्या करता कि सिद्धि करने जाइए, सिद्धि करना आइए, तो अगर सिद्धि भेजिए तो सिद्धि करने गांव में आइए। तो वहां क्या था कि उन 3 सालों में, मेरे ग्रेजुएशन के 3 सालों में, मैं बेस्ट एनसीसी कैडेट बनी, कॉलेज की बेस्ट परफॉर्मर बनी, रत्नावली से लेकर यूथ फेस्ट से लेकर मैंने कोई भी फेस्टिवल नहीं छोड़ा, स्पीच नहीं छोड़ा, मैंने फोक डांस नहीं छोड़ा, मैंने गायन नहीं छोड़ा, एनसीसी मैंने लिया। एनसीसी के जरिए तमाम जो कैंप्स होते थे, चाहे वो शूटिंग कैंप हो, चाहे वो एडवेंचर कैंप हो, तो हमेशा मैं आगे रही, चाहे वो 26 जनवरी की परेड हो, 15 अगस्त की परेड हो, तो वहां से मैंने उन चीजों को जिया जिन चीजों को मैं जीना चाहती थी, भीतर की जो कसक थी वो निकालनी थी। और फिर क्या हुआ कि उसके बाद मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के साथ फिर एक नई चीज आई कि ओहो ये तो उम्र होगी 21 साल, ब्याह की उम्र होगी। तो फिर वही चीज है कि भाई ब्याह व्यू का देखा कि मैं इंसान, तो फिर मैंने कहा कि माई ब्याह व्यू तो देखो जिन छोरियां का जो ब्याह करवाण लाग रही से कि नहीं होया करे सारे गिला गिला करवा दे। तो ये भी एक इत्तेफाक रहा कि मैं बीकॉम की, बीकॉम में अच्छे नंबर आए, उसके बाद भी इंतजार करती रही कि कहीं पर अच्छा अच्छी जगह एडमिशन हो जाए, कम खर्चे में पढ़ाई हो जाए। तो भिवानी यूनिवर्सिटी में मेरा वो एकदम किस्मत ही मान सकते हैं इसको, आखिरी दिन था, आखिरी दिन मैं गई, मैंने फॉर्म लिया वहां पर, जर्नलिज्म का फॉर्म भरा और इत्तेफाकन मेरा वहां पर एडमिशन हो गया। जर्नलिज्म करते करते मैं लिखती गई, और लिखने के साथ साथ जो तमाम चीजें मैंने देखी उन तमाम चीजों को मैंने लिखा भी, उन तमाम चीजों को मैंने जिया भी, उन तमाम चीजों को मैंने बताया भी। तो ग्रामीण क्षेत्र से निकलकर ये जो तमाम जो संघर्ष रहा, कई बार तो मैं टूट जाती थी कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ये तुम्हारी सोच है, तुम नहीं बढ़ पाओगे, लेकिन फिर एक आवाज आती थी, एक पता नहीं वो कौन अदृश्य ताकत थी जो मुझे बार बार ये बोलती थी कि कोई बात नहीं, तुमने सोचा है तुम बढ़ोगी, तुमने इतना सोच लिया तो देखो तुम आगे बढ़ पाओगी। और मैंने तमाम खेत की पगडंडी से लेकर टीवी के जब ये लाइट्स ऑन होती हमारे स्टूडियो की, तो मेरे मन के आगे ना मेरे खेत आते हैं, मेरे मन के आगे जब वो लाइट ऑन होती है तो मुझे मेरे घर का वो दिया याद आता है कि जब मैं बचपन में तेल डाल के वहां पे पढ़ती थी। और मैं पहली बार टीवी पर आई तो मेरे लिए वो बड़ा इमोशनल सा दिन था कि भाई मैं वो चीज मैंने सोची थी और वो चीज देखो आज मैं कर रही हूँ। तो भावनाएं भी रही, इसी बीच संघर्ष भी बहुत ज्यादा रहा। जर्नलिज्म की पढ़ाई के बाद अब ये चीज और आगे आई कि भाई अब आगे क्या करना है, मीडिया में किस तरीके से जाओगे, तुम्हारा गॉडफादर नहीं, परिवार वालों को पता ही नहीं मीडिया का एम है क्या, आस पड़ोसी जो रिश्तेदार हैं वो तो पहले ही बोल रहे थे कि जर्नलिज्म की पढ़ाई तो हमने कभी सुनी नहीं, गांव के आने पाने में काम गुआंड में कौन जर्नलिज्म करा करे, अरे टीवी त्यावी में पड्डे घर की छोरी बैठा करे, मारे जिसमें बैठा करे है। तो फिर मैंने रोहतक अपने घर से मैं कोचिंग के बहाने निकली कि माई तो मैंने जान दो, देखो मैं बन जाऊंगी मास्टरनी, और जेबीटी ना कर पाई लेकिन ये मैं बढ़िया मास्टरनी करूंगी। तो मैं ऐसे बोल के मैं कोचिंग के बहाने घर से निकली, और वहां पर मेरी हिम्मत नहीं हुई परिवार वालों को, वो मैं ये सोच के निकली थी कि अगर मैं कुछ बनी तो ही मैं वापस आऊंगी। तो शाम के 5 बजे का वक्त था, मुझे याद है मेरे गाँव का थूरा से रोहतक की बस शाम के 5 बजे चलती है, कुछ बैग मेरी माँ ने पकड़े थे मेरे, कुछ बैग मेरे पास थे, और मैं वो आगे की स्थिति देखकर मैं इमोशनल भी हो रही थी कि आगे क्या होगा, सोचो तुम वापस लौट कर नहीं आई तो क्या होगा, तुम बनी तो क्या होगा। मैं भीतर से बहुत रोई नहीं लेकिन कसर थी भी नहीं,
तो पूरे रास्ते भर में यही सोचती रही कि देखो ये तुम्हारा आखिरी दिन हो सकता है गांव का, या आखिरी मुलाकात हो सकती है तुम्हारी तुम्हारी माँ से। उस वक्त मेरी माँ ने जो सर पे हाथ फेरा, तो वो चीजें मुझे बड़ी वो हो कि ये जो टच है वो बार बार मैं महसूस करूँ। और फिर मैं गई रोहतक, और उसके बाद मैंने सोचा कि मैं करूँ तो करूँ, क्या करूँ, कोचिंग सेंटर जितने इतना अमाउंट नहीं था, और इस तरीके से मुझे नहीं लगा था कि कोचिंग सेंटर की भी फीस दी जा सकती है, या उस तरीके से तुम पढ़ सकती हो या बन सकती हो। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने एक दिन में 3 इंटरव्यू क्लियर किए। मैं रोहतक आकाशवाणी गई, उन लोगों को मेरी आवाज पसंद आई, उन्होंने कहा अरे तुम्हारी आवाज तो बड़ी रेडियो एक्टिव है। तो मैंने कहा है हिंदी तो मैं पहली बार बोलने लग रही हूँ, हमारे घर में तो हरियाणवी बोलने हैं सारे, मेरे घर परिवार में कोई हिंदी भाषी नहीं है, मैंने कभी हिंदी बोलने की प्रैक्टिस नहीं की। तो फिर वहां उन लोगों ने कहा कि अरे तुम आ सकती हो, हम तुम्हें 1 महीने में प्रोग्राम देंगे, तुम्हें खुद लिखना है। मैंने कहा अच्छा पैसे भी मिलेंगे? उन्होंने कहा हाँ हाँ पैसे भी मिलेंगे। फिर वहां एक अलग हरियाणा मेरे गांव के भाई हैं, उनका वो अखबार था नया नया, तो मैंने कहा कि भाई ऐसे ऐसे मैं रिपोर्टर बनना चाह रही हूँ। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है तुम कल से आ जाना। और एक और मैं सिटी चैनल में भी गई, सिटी चैनल वालों ने मेरा पहला ऑडिशन लिया, खबरें बोल के दिखाओ तुम, एक मुझे खबर पढ़ाई। और उसके बाद जब मैं खबर बोली तो उन्होंने कहा है तुम तो बोलती भी बड़ा अच्छा हो। तो फिर मेरे मन में आवाज आई कि ये सारे लोग इतना बावड़ी बना रहे हैं, इतना सचमय की माँ वैसे है। तो मैं ये सोच रही थी कि अच्छा ये हो क्या रहा है मेरे साथ, क्या मैं जो सोचती थी वो वाकई हो रहा है। तो फिर सिटी चैनल पर मेरे घर परिवार वालों ने मुझे देखा, मुझे मेरे पिताजी ने फोन किया कि तुम आज टीवी पर देखी थी। मैंने कहा नहीं मैं तो ना होगी, कोर्ट छुरी होगी, तो मुझे लगा कहीं डांट दे, कहीं ऐसा लगे कि छुरी मीडिया में चली जा रही है ऐसे, जी मैम, नहीं कोई और छुरी होगी मेरी जैसी शक्ल की। तो बोले ना जी जैकेट मैम, तो जो तू घर पे ठाक लेके गई थी। मैंने कहा अच्छा ओ तो वहां से मुझे ये आंशिक तौर पर सहमति मिली कि तुम आगे बढ़ सकती हो, तुम आगे कर सकते हो जो तुम करना चाह रही हो। और फिर उसके बाद क्या है कि अलग हरियाणा में मैं स्टोरी करती रही, वहां पर कुल मैं 25 दिन रही, और 25वें दिन मुझे एनडी हरियाणा से ऑफर आया। और फिर मैं 26वें दिन चंडीगढ़ गई इंटरव्यू या तमाम चीज देखने के लिए, किस तरीके से किसका परिवेश है, क्या वहां पर परिस्थितियां हैं। तो मुझे वहां पर बुला लिया गया कि तुम एनडी हरियाणा आ सकती हो चंडीगढ़। अब एक और स्ट्रगल था, स्ट्रगल ये था कि रोहतक तक तो तुम आ गई, अब चंडीगढ़ तक तुम्हें कितनी सहमति लेनी पड़ेंगी। और अब तो देखो तुम जी मैम, छोटे चैनल पे हो, ये चैनल तो तेरे गांव गुआंड में जावे है, अब तुम बड़े चैनल पे जाओगी तो किस तरह से कितने लोगों को फेस करोगी, कितने लोगों की नेगेटिविटी होगी। और सोचो अगर घर से बाहर हो, घर बुला लिया तो क्या होगा, फ्यूचर डाउन है, ब्याह कर देंगे, कुछ भी नहीं। तो घर वालों को बिना बताए मैं चंडीगढ़ निकल गई थी। और मुझे वो भी याद है, वो भी बहुत ही मतलब बड़ा स्ट्रगल रहा। सुबह 6 बजे की सर्दियों में मेरी ट्रेन थी, वो ट्रेन में 3-4 बैग थे, किस तरह से मैं निकली थी उस वक्त। और कभी मैंने ये नहीं माना कि मैं लड़की हूँ, कभी नहीं माना कि कभी इस तरीके से, मैंने कभी भी ना तो किसी का सहयोग लिया, ना मुझे कभी कोई गॉड फादर मिला। अब वहां पर मैंने देखा कि बहुत सारी लड़कियां बड़ी स्टाइलिश, और फिर मैंने देखा कि हैं कि छोरी तो तेरे बड़ी सुथरी है, अनु के आगरा टीवी में तो बढ़िया शक्ल वाली छोरी बैठा करें। तो फिर क्या हुआ कि उनके मैं तमाम चीजें देखती थी, बड़ी अच्छी इंग्लिश है, बड़ी अच्छी हिंदी है। तो वो चीजें देख के एक बार तो हौसला टूटा कि शायद हो सकता है बड़ा शहर है तुम ना फिट हो पाओ, कुछ चीजें कर पाओ। तो फिर क्या हुआ कि वहां पर मैं लिखती थी, बेहतर लिखती थी, स्क्रिप्ट में लिखती रही, सरकारी डॉक्यूमेंट्रीज लिखती रही। तो एक इंटरव्यू था, एक फिल्म आई थी जी कुत्ता से, तो उस इंटरव्यू के लिए फिर चैनल को लगा के कौन इंटरव्यू कर सकता है, किसको हरियाणा की पृष्ठभूमि का पता है। फिल्म जो थी वो ये थी कि किसी लड़की का अफेयर हो जाता उसी के ही गांव गुआंड में, तो उन तमाम चीजों को जानती हूँ, हमारी जो संस्कृति रही है, किस तरीके से हम गांव गुआंड की बाणा ने भी अपने गोतिया ने भी भाई भूई मानना है। तो वो इंटरव्यू मेरा पहला इंटरव्यू था, वो इंटरव्यू बड़ा अच्छा हुआ। और तब मेकअप शेकअप हुआ, तमाम चीजें हुई, फिर मैंने खुद को देखा कि है या मैं ही हूँ, देखिए मैं तो बड़ी सुतरी लागू हूँ। तो ये जब हम कोई भी बच्चा तब ग्रामीण परिवेश का घर से बाहर निकलता है, तो उसके लिए बहुत नई नई चीजें होती हैं। और उस वक्त जब मैं बैठी, 3 कैमरे ऑन हुए, चैनल हेड वहां पर खड़े हुए हैं, और वहां पर और लोग भी खड़े हुए हैं, वो मुझे देख रहे हैं। और तो एक बार ये चीजें हुई कि हाय डर लग रहा है कोई चीज गलत ना हो जाए, लेकिन फिर यह है कि आज मौका से
आज धरती ने कते पाड़ दिया, आज की मैं चीज छोड़ी है ना, वो कह रहे हैं धुम्मा ठाणा है, वो आड़ा काम करना है। तो बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ वो, और तमाम लोगों ने काफी वो तारीफ भी की। उसके बाद चलता रहा तमाम चीजें, मैंने कल्चर में बहुत सारी चीजें देखी, अपने जो जो अपने त्योहार थे मैंने उन तमाम त्योहारों की स्क्रिप्ट लिखी, तमाम त्योहारों को बयां किया, हरियाणवी में भी, हिंदी में भी। और उसके बाद फिर जो स्कूल में मुझे लोग बुलाते थे, किस तरह से तुम गई, किस तरह से तुमने तमाम संघर्ष को जिया, तो वहां पर जब मेरी स्टूडियो की लाइट तब पहली बार भी ऑन होती थी तो मुझे रोना आता था कि वही लाइट्स हैं जिनके लिए मैं कभी तरसी थी, कभी इतनी ज्यादा लाइटिंग, छे छे जो लाइट है वो कभी मैंने जिंदगी में नहीं देखी थी, कभी मैंने ये नहीं देखा था कि इस तरीके से लिबरल जिंदगी तुम जी सकती हो। कॉलेज में तब मैं गई, मैंने पहली बार जींस पहनी, तो मैं मतलब खुले बाल तो पहली बार किए, काजल पहली बार लगाया, तो तब मुझे ये चीजें लगी कि है देखे, मैं तो सोचा करती है हीरोइन ही है, प्यार भूल सके हैं तो छोरी छारी मारे किसी भी इसी जिंदगी जी सके हैं। तो ये इस तरह की जो चीजें हैं जो मैंने फिर अपने घर बताई, और तब मैं चंडीगढ़ गई तो एनडी हरियाणा में मुझे टीवी पर भी घर वालों ने देखा, फिर कहा कि हैं तू तो बड़े चैनल पर चली गई। तो फिर मैंने उनको बताया, घर गई मैं 2 महीने बाद, फिर बताया कि मैं तो चंडीगढ़ चली गई हूँ। थोड़ा सा उनको बुरा भी लगा कि बताया नहीं, लेकिन फिर भी वही उसी प्रतिष्ठा उसी सम्मान के साथ आज तक मैं अपना काम कर रही हूँ, और अपना जो भी शिद्दत के साथ ईमानदारी के साथ जो मुझसे हो रहा है, जितनी मेहनत मैं कर रही हूँ उसका मुझे बहुत ही ज्यादा मिल रहा है। बहुत लोग हैं जो अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और बहुत मैं बड़ी सामान्य सी लड़की जब आगे बढ़ती है, जिसने गोबर ढोया हो, जिसने घर का कूड़ा उठाया हो है, तो मैंने कभी कभी सिनेमा हॉल नहीं देखा था, कभी मैं थिएटर नहीं गई थी, कभी जीन्स टी शर्ट किस तरीके से लड़कियां पहनती हैं, किस तरह से कैरी करती हैं, खुले बालों वाली भी लड़कियां होती हैं, तो ये चीजें मैंने टीवी में ही देखी थी, कभी नहीं देखी थी कि मैं इसे खुद भी जी पाऊंगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। दुपट्टे के आड़े मैंने कभी नहीं देखा था कि तुम बिना दुपट्टा भी घूमोगी, जिस तरह से और लड़कियां घूम रही हैं। गांव में तो ये था कि घर तबाह जर तो सिर पे चुन्नी करके जाओ, छोरी हो कहेंगे बड़ी संस्कारी बड़ी अच्छी छोरी से। तो वहां से परिवार वालों को लगा कि वाकई लड़की ठीक काम कर रही है, और आंशिक मुझे सहमति पहले भी मिल चुकी थी, लेकिन अब तो ये हो गया था कि अब ठीक है काम जो कर रही हो वो अच्छे से करती रहो। लेकिन फिर भी एक चीज ये आई कि ब्याह करांगे तो छोरे छारे को मिलेंगे, नु कहेंगे थारी छोरी तो टीवी में दिखा है। मतलब अब भी मेरे जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग थे 2017 तक, उनका फोबिया नहीं गया था कि तुम टीवी पर दिख रही हो तो तुम्हें अच्छा ही मानेंगे, तो ये फोबिया उनका तब भी नहीं गया था। डर था कि तब भी तुम टीवी पर दिख रही हो तो बड़ी नेगेटिव चीज है। तो फिर उसके बाद मैं बेहतर करती रही और बेहतर करती रही, और जो मेरे युवा भाई थे, जो गांव के जो पढ़े लिखे भाई थे, उन लोगों ने देखा कि लड़की तो बहुत अच्छा लिख रही है, बहुत चीजें एक्सप्रेस कर रही है, वही अपने गांव की वही देहात की, तो फिर मुझे अप्रिशिएट करना तमाम लोगों ने शुरू किया, मेरे परिवार वालों ने भी शुरू किया। फिर उसके बाद मैंने खबरें अभी तक चैनल ज्वाइन किया, खबरें अभी तक मैं एक जर्नलिस्ट अच्छे जर्नलिस्ट के तौर पर मैंने करियर की शुरुआत की, हिंदी बोलनी शुरू की अच्छे तरीके से, और फिर उसके बाद मैं हरियाणा न्यूज आई, यहाँ पर मेरा हरियाणवी बुलेटिन शुरू हुआ, और उसके साथ मैं विधानसभा चुनाव भी मैंने कवर किए। लेकिन इसी बीच जो तो तमाम संघर्ष रहा ना, मुझे जब बुरे अनुभव याद आते हैं मेरी फील्ड के भी, मीडिया फील्ड में जब कोई भी लड़की बढ़ती है, खास तौर पर उसका जब कोई गॉड फादर नहीं होता, बहुत मुश्किल होती है उसका, बहुत मुश्किल। सबसे बड़ी मुश्किल ये होती है कि लड़की होके खुद का बचाव करना। मैंने कहीं एक लाइन पढ़ी थी कि एक औरत अपनी पूरी जिंदगी व्यतीत कर देती है कि खुद को एक मांस का टुकड़ा मानते हुए और खुद को बचाते हुए। तो इसी तरह की जो परिस्थितियां हैं वो कई बार मीडिया में भी आड़े आती हैं कि आपका गॉड फादर नहीं है, तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल आपको करना पड़ता है। और अब भी मैंने कभी भी अपने ईमान के साथ, अपने जुनून के साथ या अपने काम के साथ कभी समझौता नहीं किया, कभी भी समझौता नहीं किया। मुझे मेरे उस स्ट्रगल की जो भूख है मुझे आज भी याद है, वो भूख मुझे भी बोलती थी तुम सम्मान के साथ जी रही हो और ये सम्मान तुमने कमाया है, इसको भूखे रहकर भी तुम खो नहीं सकती हो। तो उस वक्त की जो भूख है ना वो मुझे बहुत मीठी लगी, बहुत बहुत ज्यादा मीठी लगी मुझे। कई बार इमोशनल हुई, कई बार सेंटिमेंटल हुई, कई बार मैं टूटी भी कि क्या जिंदगी तुम जी रही हो, तुमने क्या सोच लिया। नहीं हुआ तो देखो तमाम लड़कियां हैं ब्याह करवा कर बैठी हैं, तू भी बैठ जा, ये मेरे भीतर की आवाज आती। लेकिन फिर एक और आवाज ये चीज आती थी कि नहीं तुम कर सकती हो, इतना तुमने सोचा है, इतना तुमने विद्रोह किया है पढ़ाई को लेकर, तमाम चीजों को लेकर, लेकिन तुम अब किस तरीके से पीछे हट सकती हो।
मैं चलती रही बहुत वक्त भी देखा। जब मुझे इंटर्न जब मेरी एनडी हरियाणा में शुरुआत हुई तो मुझे 7,000 रुपए मिलते थे। और अमूमन ये माना जाता है कि जब कोई मीडिया में काम कर रहा है, टीवी पर दिख रहा है, तो बहुत ही ज्यादा पैसे कमा रहा होगा। और मैं टीवी पर जल्दी आ गई थी, तो 7,000 रुपए में क्या था कि 5,500 का पीजी था, बहुत कम पैसे बचते थे। लेकिन तब भी मैं इतनी हमेशा से ही एक तरह से ये रही कि मैं आत्मविश्वासी रही, ये रहा कि आत्मनिर्भर तौर पर कि मैं अपने परिवार वालों को जितना हो सके आर्थिक तौर पर भी कम दुखी करूं। और मैं ये था कि मैं जो पढ़ाई करूं वो अपने दम पर करूं, परिवार वालों ने जितना है वो कर लिया, अब उससे ज्यादा वो क्या करेंगे, हम इतना लायक बना दिया, इतना काबिल बना दिया, अब उनके पास भी इस तरीके के संसाधन है कि नहीं। तो उसके बाद क्या हुआ कि एक साल 2017 में मैंने इंटर्नशिप की और उसके बाद मैंने एक साल का गैप लिया। 2018 में मेरी ये थी इच्छा थी कि मैं लॉ की पढ़ाई करूं, तो मैं लॉ की पढ़ाई भी करना चाह रही थी। मैंने एंट्रेंस दिया तो एंट्रेंस क्लियर हो गया। मैंने कहा इतना तो एंट्रेंस भी क्लियर हो गया, ये तो वकील भी बढ़िया बन सके है। तो उसके बाद मैंने एक बार अपनी माँ को कहा था कि मैं जर्नलिज्म भी करना चाह रही हूँ, लॉ भी करना चाह रही हूँ, लेकिन उस वक्त किसी ने सोचा ही नहीं था और मुझे नहीं पता कि मेरे दिमाग में लॉ कहाँ से आता था, कहाँ से मेरे दिमाग में जर्नलिज्म आती थी, मुझे नहीं पता। किसी ने भी जर्नलिज्म का कभी पहले जिक्र नहीं किया। तो फिर मैंने लॉ में एडमिशन ले लिया, अपनी कुछ सेविंग की, सेविंग से मैंने अपनी पढ़ाई की शुरुआत की। लेकिन मेरे लिए जब मैं कॉलेज से एडमिशन लेकर जब मैं बाहर निकल रही थी तो मुझे सच में रोना आ रहा था कि वो पढ़ाई है जिसको तुमने 5 साल तक ये देखा कि क्या तुम ये पढ़ सकती हो, क्या तुम ये कर सकती हो। तो मैं बहुत वो जो मेरी एडमिशन स्लिप थी मैं उसका अमाउंट देख देख के रो रही थी कि अरे तुमने कर दिया, तुमने ये भी कर दिया। तो बहुत रोना आया वो सारी चीजें देखकर। वो जब मैं पहली बार एनडी हरियाणा पे तब मैं दिखी और मैं तब अपने गांव में गई और मुझे तब स्टेट लेवल का तब मुझे पुरस्कार मिला ग्रामीण विषयक पत्रकारिता का, जो गांव देहात के मुद्दे जिन्होंने उठाए हो, जिन्होंने बड़ी करीबी से गांव को देखा हो, जिया हो, लिखा हो, समस्याओं को बताया हो। तो उसके बाद तब मैं गांव में गई तो तमाम लोगों ने इतना हौसला अफजाई किया कि पहले तो मैं बस्ते नीचे उतर कर गांव की माटी ये ठाई मैंने, तो कि ये जुग जुग जीता रहे मेरा गांव, जुग जुग जीता रहे मेरा गांव गुहांड, मेरे तमाम वो भाई, तमाम मेरे युवा भाई जो पढ़े लिखे हैं, तमाम वो बेटियां जो इस वक्त कुछ बनने की चाह में हैं। तो उसके बाद मैंने इतना फर्क देखा है कि मेरे आसपास में ना एग्जाम्पल्स की बहुत ज्यादा कमी थी। और हमारे समाज में ना जब किसी उदाहरणों की कमी होती है तभी कोई बच्चे को आगे बढ़ने के लिए हम प्रेरित नहीं कर पाते। अब मेरे गांव में ये उदाहरण है कि फलाने की छोरी 50 रुपये में 12वीं करके ने आगे जान ला गई, टीवी पर दिखने ला गई, सर हम भी पढ़ सको हो। तो इस तरह के उदाहरण थे ही नहीं। तब उदाहरण बस ये था फलाने की छोरी ने जेबीटी कर ली, ब्याह भी ब्याह दी, दकड़े की छोरी ने ANM कर ली, ब्याह भी ब्याह दी। तो अब जिस तरीके से हमारे समाज को इस तरीके के एग्जाम्पल्स की जरूरत है, इस तरीके के उदाहरणों की जरूरत है कि हमारे बीच से हमारी वो बेटियां जिन्होंने गांव की तमाम वो कच्ची गलियां देखी हैं, नहरें देखी हैं, खेत देखे हैं, खलिहान देखे हैं, कुएं देखे हैं, कुएं तक पानी लाई है, जब इस तरीके से हम उठकर जब हम यहाँ तक आते हैं तो वो जो तमाम जो संघर्ष है वो एक तरह से तो ऐसे लगता है कि वो सपना था। तो इस तरीके के जो अनुभव हैं, इस तरीके की जो उदाहरण है वो हमारे समाज में और भी होने चाहिए, और भी देने चाहिए, और भी लड़कियों को आगे बढ़ना चाहिए। अब मैं कभी भी मैं अपने गांव जाती हूँ तो मुझे आसपास के जो गांव के स्कूल्स हैं वहां पर बुलाया जाता है, मुझसे पूछा जाता है। और मैंने ना बहुत सारी महिलाओं को देखा है रोते हुए, मुझे सुनते हुए कि मारा भी ऐसा जी करे है कि हम हमारी छोरी ने पढ़ा देते तो तेरी तेरी तरह बनती, वो तेरी तरह बाल खुले छोड़ के, जींस पहन के, इसी सूत्री चप्पल पहन के मारे शामी खड़ी होंगी, हम भी कहें देख मारी छोरी ब्याज तो न्यू बन रही है। तो मैंने उन माओ में भी टीस देखी है, मैंने उन माओ में भी वो दुख देखा है जिनको उनकी बेटियां जबरन ब्यानी पड़ी या जबरदस्ती ब्यानी पड़ी या फिर मजबूरी में ब्यानी पड़ी कि हमारे आसपास हमारे इर्द गिर्द तो कोई है ही नहीं इस तरीके से कोई भी विकल्प या कोई भी बात जिसका हम सहारा लेके कह सके कि बेटियों तुम आगे बढ़ो। तो मैंने बहुत सारी महिलाओं को रोते देखा, गले लगाते देखा खुद को। और उसी बीच मैं हमेशा से ही जैसे अपनी माता को भी हमेशा बोलती रही हूँ कि बचपन में वो भी कि अपने जिसे बालका के थोड़े वो सपने पूरे होया करें, अब सरकारी स्कूल में जिसे पढ़ने लाग रहे उसे पढ़ लो। तो ये मैं कभी मैंने उस वक्त भी कभी कमजोरी नहीं दिखाई अपनी माता को भी, मैं तब भी बोलती थी कि कोई बात ना पढ़ लूंगी कर लूंगी आगे क्यों होया। तो तमाम जो मैंने सोची ना, जो जो मैंने सोचा
वो हर चीज पूरी हो रही है, हर चीज पूरी हो रही है। अब मुझे वो जर्नी ऐसे लगती है कि फिल्म का जैसे फ्लैशबैक हो, के कोई सोच रहा हो, वो चीजें हो रही हो। तो बड़ा कई बार मैं इमोशनल भी हो जाया करती हूँ कई बार तो, और कई बार ये वो संघर्ष जो है बड़ा मीठा लगता है। घर से बाहर तो मैं निकली, कई बार पैसे की कमी हुई, तो कई बार ये भी मन नहीं किया कि तुम घर वालों को बताओ इस तरीके से कमियां मिल रही, लेकिन उन कमियों को मैंने जिया, उन कमियों को मैंने बड़ी शिद्दत के साथ जिया, बड़े सम्मान, बड़ी इज्जत के साथ जिया। कभी मैंने ये नहीं सोचा कि मैं अपने काम से, अपने पेशे से, अपने सम्मान के साथ थोड़ा सा भी समझौता करूं। मीडिया में बहुत सारा स्ट्रगल रहा कि मैं हरियाणवी परिवार से थी, हिंदी बोली नहीं थी कभी भी, लेकिन भगवान के दया से हिंदी बोलने की कभी प्रैक्टिस भी नहीं करनी पड़ी। पहली बार हिंदी बोली तो लगा है तो हिंदी भी बढ़िया बोल रहा है। अच्छा, अंग्रेजी बोलने की जब शुरुआत की तो लगा, 6ठी क्लास में मेरी अंग्रेजी की शुरुआत हुई थी तो तब भी लगा है तने तो अंग्रेजी बढ़िया लाग आवे है, कसूती अंग्रेजी ने लागे तो बोलते टाइम। तो फिर मेरे परिवार वालों ने भी बड़ा अप्रिशिएट किया। गाँव देहात की तमाम बेटियां जो मुझे देखती थी कूड़ा डालते वक्त, बिटोड़े में मिलते वक्त और खेता में, तो वो भी बोलती थी, अच्छा मैं तो बड़ा गर्व हुआ कि हमारी वही बहन जो हमारे बीच से उठ कर गई है, आज उसे हम टीवी पर देख रहे हैं। और मेरी तमाम जो सहेलियां जो थी, कोई नहीं आगे पढ़ी, सारियों का प्याग कर दिया गया या किसी की इच्छा नहीं हुई पढ़ने की। जिनकी आर्थिक स्थिति गाँव में ठीक थी वो तो पढ़ी थी, लेकिन वो बड़ी नहीं। अब बड़ा कौन हमारे जैसे बच्चे जिन्होंने कमियां देखी हैं, जिन्होंने सपने सजाए, जिन्होंने अरमान देखे। और मुझे ये याद है कि हमारे घर में तब इन्वर्टर नहीं था, तो मैं सुबह उठ के अपनी पढ़ाई करती थी बहुत जल्दी। सर्दियों में हम दीवा जला लिया करते मिट्टी के तेल का, और फिर उसके बाद हम सारा घर का काम धंधा करा करते, हारा लगाया करते, चूल्हे लगाया करते हैं, लाइट ना आया करती तो रही भी जो है वो आथाड़ी रही तो घी काढ़ा करते, लासी बनाया करते। तो ये सारे काम मैंने बड़ी नजदीकी से, बड़ी करीबी से किए हैं। वो से पाथे थे बड़ी पाथी, तो किसी काम के लिए मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं कोई चीज छुपाऊं, कि मैं कुछ बनी हूं तो मैं अपने आप को ये दिखाऊं बड़ा एलीट टाइप के, नहीं ऐसा तो नहीं रहा। वो तमाम ग्रामीण जीवन मैंने जिया है, और आज भी तब मैं घर जाती हूँ तो हमेशा ही मुझे वो जो काम मैंने पहले किए हैं उनको दोहराने का जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि ये मेरा सौभाग्य है जो मैं एक गांव में जन्मी, उस माटी में जन्मी जिस माटी में हमारे जो किसान भाई हैं वो अन्न उपजाते हैं। और कभी भी मैंने, आज भी कोई किसी तरीके की शर्म नहीं, गाँव देहात में चली गई, काम कर लिया, कोई ये नहीं कि हम बने हैं कुछ, हम उन तमाम चीजों को छुपाएं कि हमने तो इस तरीके से स्ट्रगल किया, ऐसा ऐसा हमारे साथ था, हम दिखाएं कि हम तो बड़े एलीट थे। नहीं, बिल्कुल नहीं थे। बहुत ही कम संसाधनों में पढ़ाई करी, बहुत ही कम संसाधनों के बीच आगे बढ़े, बहुत ही कम संसाधनों में मैं मीडिया में रही। बिना किसी गॉड फादर के आगे बढ़ना भी बहुत मुश्किल रहा, और खास तौर पर जब कोई भी हम पत्रकार बनते हैं तो हम किसी एक जात के नहीं होते, हम सर्व जात के होते हैं, हम किसी एक धर्म के नहीं होते, हम सभी धर्मों के होते हैं। मैंने पहले अपना सरनेम इस्तेमाल किया, लेकिन उसके बाद मैंने अपने माता पिता का नाम लगाना शुरू कर दिया। सत्या पिता का नाम है, नीता मेरी माता का नाम है, क्योंकि तब कोई भी बच्ची बढ़ती है या कोई भी लड़की लड़का बढ़ता है, चाहे वो खिलाड़ी हो चाहे वो कोई भी हो, तो पता नहीं क्यों अपने समाज में ये है कि उसे जाति गर्व बना देते, ना कि समाज गर्व बल्कि जातियों का गर्व, कि तुम्हारी जात का है, हमारी जात का है। आज तक मैं बात करूं कि तमाम उन लोगों ने जिन्होंने हमारे गर्व का दंभ भरा है, जिन्होंने कहा है कि ये हमारी छुरी है, कभी सपोर्ट नहीं किया, कभी नहीं किया। बल्कि मैंने उन लोगों को ये खड़े हुए देखा विरोध में कि टीवी मीडिया बोलना ये लड़कियों के काम नहीं है। तो इसीलिए तमाम चीजें कि हम किसी जाति का गौरव थोड़े ही हैं, मैं तो तमाम लोगों की आवाज उठा रही हूँ। मेरे लिए ऐसे ही मेरे तमाम 36 बिरादरी के भाई बहन है, मेरे लिए 36 बिरादरी एक से, मेरे ब्याह में मेरी जात के थोड़े आवेंगे, मेरे 36 बिरादरी के लोग आवेंगे, मेरे जो घर परिवार के जो ब्राह्मण है वह भी आवेंगे, हमारे जो घर परिवार के जो कुमार है उनके घर तक राज्य खुशी नाच कूद के हम मटके लेके आवेंगे। तमाम जो रिवाज हैं जो हमारे घर परिवार के, जो हमारे कुनबे के जो नाई करते हैं, माफ कीजिएगा मैं यहाँ पर जातियों का नाम ले रही हूँ लेकिन मैं सम्मान से ले रही हूँ, हमारे जो वो हमारा नेगते करेंगे हैं। और कितने सारे हमारी जो सर्व जातीय जो भाईचारा है वो हमारे विवाह में कितनी खूबसूरती से दिखता है। यानी कि देखो कुमारा के घर में जाकर हम नाच कूद कर नचाक पूज कर आवांगे आवांगे, फिर ब्राह्मण देवता जो है या ब्राह्मण जो हमारे काके ताऊ होंगे वो तमाम रस्म रिवाज निभावेंगे। तो इस तरीके से जब सर्व जातीय
हमारा एक समाज है, हम एक हर एक फेस्टिवल में तब तमाम जातियों के लोगों को इकट्ठा करते हैं, उनको सम्मिलित करते हैं, तो फिर हम क्यों ना एक जात का क्यों दंभ भरे, हम तो सर्व जातीय है ना। और मेरी तो सोच हमेशा यही रही है कि चाहे मेरा कोई भी किससे भी जात का भाई हो, चाहे कोई कि मैं भी हो, जब भी बात आती है कि तुम तो भाई मतलब जातिवाद की कोई भी बात करा करे, तो मैं हमेशा क्या करूँ कि मैं मेरी ये जात आड़ा मैं मन नहीं बह रहा था जब मैं पैदा करी कि मैं कौन सी जात में पैदा हुई हूँ, ये था कि मैं एक इंसान हूँ। आज भी मैं यही सोचती हूँ कि मैं एक इंसान हूँ और बहुत अच्छे तरीके से अपनी इंसानियत, अपनी मानवता, धर्म अदा करना है। एक किसान परिवार में मैं पैदा हुई हूँ, एक फौजी परिवार में मैं पैदा हुई, तो मेरी कौम सेना है, मेरी कौम मेरा किसान है, मेरी कौम मेरा जवान है। ये जाति जो है ये लगा लें कि ठीक है, आधार है तमाम समाज का, लेकिन ये चीजें हमारी सोच में ना आए, हम असमानता ना करें लोगों के साथ, हम सिमिलर तमाम लोगों को माने। असमानता पूंजी से भी है, कोई गरीब है कोई अमीर है, तो ये ना हमारे समाज की बड़ी विडंबना रही है कि जो अमीर लोग हैं वह गरीबान है बहुत बुरे तरीके से ट्रीट करे, चाहे VIP अधिकारी हो गया या फिर एक डिग्रेड आला कोई भी मानस हो गया। तो इस तरीके से हमारे समाज में जो असमानता है ना, वो असमानता दूर कौन करेगा, हमारे जैसे ही लोग जो हम आगे बढ़ रहे हैं, और हमने भी अगर वही VVIP कल्चर दोहरा दिया तो फिर हमारी एजुकेशन का फायदा क्या है। हम तो एक इंसान को इंसान के तौर पे बताने आए हैं ना, हम तो इंसानियत को बचाने के लिए बड़े हैं, हम उस समाज को बदलने के लिए बड़े हैं जिसे समाज में पहले से ही असमानता रही है, औरतों के प्रति, महिलाओं के प्रति, पूंजीवाद के प्रति। कोई अमीर व्यक्ति है तो हमने देखा कि किस तरीके से वो समाज में दंभ भरते हैं, चाहे वो क्रिमिनल हो चाहे वो कोई भी चीज हो। इसके विपरीत जो किसान परिवार के बालक हैं, जो गरीब परिवार के बालक हैं, उनके साथ देखिए किस तरीके का सलूक होता है। वो जो मुखर्जी नगर में जो भाई कोचिंग लेने ला रहे होंगे, उनके घर परिवार वाले से पूछो कि किस तरीके से फसल बेच के ना उनकी फीस उगाई जाती होगी, उनके PG का खर्चा बचाया जाता होगा, बड़ा मुश्किल है सारी चीज। तो इन तमाम चीजों को सोचते हुए मैंने कभी ये नहीं सोचा कि, हालांकि जब मैं शुरू में बनी तो यही वो था कि TV पर देखिए, एक दो अखबार वालों ने आर्टिकल छापे, एक दो अखबार वालों ने भी लिखा, तो तब के बाद ये चीजें मैंने देखी कि चलो ठीक है सर ने मैंने इस्तेमाल कर लिया, लेकिन अब मैं अपने माता पिता का नाम इस्तेमाल करूंगी। किसी एक जाति में बनकर एक जाति में रहकर मुझे नहीं रहना है, नहीं रहना मैं मेरे जब मैं कितने गांव में जाऊं हूँ, जब मैं कितने स्पीच दे हूँ या मैं कितने और जाऊं हूँ, तो तमाम तरह के भाइयों, मेरे जाट भाइयों जो मेरा सर पुचका रहे हैं, मेरे ब्राह्मण भाइयों में है जो मेरा सर पुचका रहे हैं, कितने से नेता है जिनका इंटरव्यू कराया है या मेरे से जुड़े हैं, सब मैंने तो बहन जी कही है, सब मैंने तो लाडली कही है। तब मैं किसी एक घर कुनबे की लाडली थोड़ी रहेगी, तो मैं तो ये पूरे प्रदेश की लाडली होगी। अब दिवाली पे मैं घर ना जाऊं तो तमाम ऐसे लोग हैं जो टेक्स्ट भेजेंगे कि बेबी हमारे घर ना आ जा, तू अगर गुड़गांव है तो, वही तमाम तरह के रिश्ते हैं। मैंने हरियाणा के तमाम सिंगर्स हैं जो उनका इंटरव्यू किया, इंडी हरियाणा पे मेरा पहला प्रोग्राम आया था रोकिंग हरियाणा, जिसमें मैंने तमाम जो आर्टिस्ट हैं उनका स्ट्रगल, उनकी कहानी किस तरीके से रही, ये इंटरव्यू करना शुरू किया। तो जितने भी सिंगर आए आज तक, मैं ये कहूँ कि हर किसी ने मैम बोला है तो उसी सम्मान के साथ, जिसने बाण बोली है उनने यूं देख के नहीं बोली, आज छोरी कौन सी जात की से, कौन से गांव की से। और आज भी जितने भी सिंगर हैं, चाहे वो वीर साह हुए, चाहे अजय हुड्डा हुए, चाहे गगन हरियाणवी हुए, रक्षाबंधन हो या फिर चाहे भाई दूज हो, कोई भी ऐसा पर्व, कोई भी ऐसा त्योहार नहीं आता जिस पर वो पूछते नहीं हो कि बेबे तू कित है, अगर तू रोहतक साइड है तो तुम्हारे घर नया भाई ते मिले तन राजी खुशी हम फिटांगे। तो ये जो तमाम ये जो प्रेम है ये अपनी हरियाणा की खूबसूरती है, जड़ा हम गांव वो आंड की जो एक परंपरा भी है, एक इसने नू भी लगा लो कि अपना एक सम्मानजनक जो चाली आ रही है, या इसने चाहे रिवाज भी कह लिया कि मैं कह लिया इसने, तो यह जो सम्मानजनक सी जो भावना है ये आज के यूथ आड़ा ने भी रखनी चाहिए गांव गुहांड की सारी चीजें। हालांकि कई आदमी है जो कहे हैं कि भाई ये जो पुराने विचार है ये होने नहीं चाहिए, लेकिन मेरा मानना है कि जिस तरीके से अपने गांव गुआंड में है, जिस तरीके से अपना गोत्र है, और ये जो तमाम चीजें मेरे ख्याल से कम नहीं होनी चाहिए, ये कई कमी हो सकती है संस्कृति के प्रति, सभ्यताओं में, लेकिन जो अपने गांव गुहांड की परंपरा है उसके वो तो खूबसूरती ही रही है, अपने हरियाणा की हमेशा खूबसूरती रही है। चाहे मेरे साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा फोनों पे जुड़े हों, चाहे दीपेंद्र हुड्डा जुड़े हों, तब भी कभी जिक्र किया कि मैं कथुरा गांव की, मुंह से शब्द कभी नहीं आया कि तुम पत्रकार, अच्छा लाडली, अच्छा कथुरा गांव की, अच्छा लाडली बताओ, घर परिवार सब ठीक है। तो इस सम्मान को छोड़ के हम किस तरीके से मान सकते हैं कि परंपराओं को तोड़ लिया जाए, बिल्कुल भी नहीं।
मैम समय की कमी है और आपसे बहुत कुछ जानना है हमें, हाँ जी 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 आपके और मैंने संघर्ष ने, बहुत आपकी बोल, स्टोरी अच्छा ने बीच वाकई में हमारे मुझे, रोंगटे खड़े कर अरे दिए। बीच बीच में आप टोकते मुझे, बीच में आप बताते कि मैं बहुत ज्यादा वक्त ले रही हूँ, मुझे लगा कि आप सवाल नहीं पूछेंगे मैम मुझे, आपकी स्टोरी मैं इतनी इंटरेस्टिंग थी कि क्या करते अच्छा अच्छा जी पूछिए। मैम, वाकई हमको मोटिवेट भी किया मैम, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए वाकई में। जुकरक हरियाणवी में क्या कर रहे हैं भाई, छोरी भरी बैठी है कति। हाँ भरी तो के ये तो मतलब वो है कि अपनी जर्नी है, अपना संघर्ष है, जी अब मैम। या तो वो बता दिया, तमाम चीजें मैं लिखती भी रहती हूँ जिस तरीके से संघर्ष रहा। जी मैम, जैसे अभी एक पर्सनल और सवाल कि कोरोना में आपका लाइफस्टाइल क्या रहता है घर पे। अच्छा कोरोना में मैं फिलहाल पीजी में हूँ और होली जी के मैम। बाद मैं घर नहीं गई, होली पे भी घर नहीं गई, तो कोरोना के लेकर मैं सुबह ऑफिस जाती हूँ और ऑफिस में जाके बहुत सारा काम होता है मुझे, और हरियाणा के मीडिया में मैं यहाँ हरियाणा न्यूज में अकेली हरियाणवी लड़की हूँ, तो जाकर जिस दिन मेरा हरियाणवी बुलेटिन होता है तो मुझे सारी चीजों की तैयारी करनी होती है कि भाई मैंने इस गांव में था, ये लाइव चाहिए है, उस गांव में मैंने फलाने किसान की समस्या दिखानी है, तो लाइफ स्टाइल तो बिल्कुल भी अलग नहीं रहा है, कोई चीज में तो बदलाव नहीं आया बल्कि काम ज्यादा हो गया है। अब पीजी में जैसे सुबह उठना है, उठने के बाद अगर एक्सरसाइज है तो आप वो कर लो, वॉकिंग कर लो, उसके बाद आप खाना खाओ, फिर ऑफिस की ओर चले जाओ, ऑफिस में अगर हम गए तो ये 2.5 किलो पाउडर सा मुंह पे लीप दे और उसके बाद जो है मेकअप शेकअप करा के हम स्क्रीन के आगे बैठ जाते हैं, फिर ये मुझे शेड्यूल देखना होता है कि आज मेरा हरियाणवी बुलेटिन है तो मुझे अपने प्रदेश की किसी समस्या को प्रमुखता से दिखाना है, तो और फिर पीजी आके वही खाना सोना वही चीज है, लेकिन मैं घर को बड़ा याद कर रही हूँ, अभी हमारे यहाँ पीजी के इर्द गिर्द भी काफी कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं, तो इसलिए मैं भी हिचक रही हूँ कि मैं घर जाऊं या ना जाऊं, तो बड़ा याद कर रही हूँ मैं घर परिवार को, तो लाइफस्टाइल वही है जो पहले था। जी मैम, चलो सुरक्षित रहिए फिर भी। अभी थोड़ा प्रोफेशनल लाइफ की ओर बढ़ते हैं मैम, कि जैसे पेड न्यूज़ का चलन है, येलो जर्नलिज्म आया, पैसे दे के खबर लगवाना, तो आप उस चीज़ को किस नज़रिए से देखते हो मैम? ये जो पेड जर्नलिज्म है, पेड जर्नलिज्म भी एक तरह से किसी भी चैनल की इनकम का स्रोत है। अब जो लोग इस तरीके की जर्नलिज्म कर रहे हैं मैं उनको जर्नलिस्टों में बिल्कुल भी नहीं मानूंगी कि वो लोग पत्रकार हैं। अब क्या है कि अब मीडिया कर्मी बनना बहुत आसान हो गया है, आप यूट्यूब चैनल्स के जरिए भी आप जनता की सकारात्मक तरीके से आवाज उठा सकते हैं, लेकिन आज के दौर में ऐसा नहीं है, आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तमाम जो इस तरह के जो पत्रकार देखे हैं, चुनाव हो गया तो किसी एक नेता के एजेंडे पर वो चलेंगे, तमाम वो विज्ञापन के जरिए मान लो, पेड न्यूज के जरिए मान लो, तो ये जो चीजें हैं ये समाज में गहराई पैदा कर रही हैं, ये जो चीजें हैं ये समाज में खाई पैदा कर रही हैं, तो इस तरह की ये जर्नलिज्म जो है वो एजेंडे के तौर पर हो रही है, चाहे वो धर्म की बात हो चाहे वो जात की बात हो, तो इस तरीके की जो पत्रकारिता है या इस तरीके का जो काम है, पत्रकारिता शब्द तो मैं बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करूंगी, जो इस तरह का जो काम जो लोग कर रहे हैं वो एक्सपोज भी बहुत जल्द होते हैं, उनका समाज में फिर कोई अस्तित्व भी नहीं रहता कि आपने किस तरीके से काम किया है, बाद में यही चीज महसूस होने लगती है कि हमने किया क्या है, और पेड न्यूज जो है उसका समाज आज इतना सभ्य बन चुका है, समाज आज इतना एजुकेटेड हो चुका है, समाज को पता है कि ये चीज गलत है, समाज को पता है क्या चीजें चल रही हैं, हो सकता है उस पेड न्यूज से जो किसी पार्टी है, कोई अगर पार्टी कह रही है कि आपको ये पेड न्यूज चलानी है, तो एक विचारधारा के लोग जो उस पार्टी को मान रहे हैं वो उससे सहमत हो सकते हैं, लेकिन समाज के जो और लोग हैं उनको भी पता होता है कि क्या चीजें चल रही हैं क्या चीजें नहीं चल रही हैं, तो अगर कोई एक पत्रकार के तौर पर इस तरीके से चीजें करता है तो मैं तो इसे कुछ उनकी ना तो शैली मानूंगी, ना मैं उनका कोई स्टैंड मानूंगी, ना मैं उन्हें जर्नलिस्ट मानूंगी, बस ये चीज है कि आपको एक कमाई का जरिया मिल रहा है, आप उस कमाई के जरिए से समाज में खाई खोद रहे हैं, उन तमाम आने वाले जर्नलिस्टों से भी ये बता रहे हैं कि भाई मीडिया में तो कमाई हुई मत, तो ऐसे ऐसे लोग जो है वो नेगेटिविटी फैलाते हैं, ऐसे ऐसे लोग ही हैं जो दूसरे बच्चों को ये फील्ड छोड़ने पर मजबूर करते हैं, जो दूसरे लोगों को मीडिया में ना आने का एक सबक बनते हैं, कारण बनते हैं, तो पेड न्यूज का बस यही है कि हमें समझना है, हमें सोचना है, ऐसे लोगों का बहिष्कार करना है, ऐसे लोगों को चाहे हम कमेंट्स के जरिए बताएं या किसी भी तरीके से बताएं कि आप लोग गलत काम कर रहे हैं, और जनता का जो ब्रेन वॉश है वो ब्रेन वॉश चुनाव के वक्त में या फिर अभी हम ये बोले कि तब तब सरकारें असफल होती हैं, तब तब सरकारों के पास अपना काम बताने के लिए कोई भी मैटर कोई भी डाटा नहीं होता, तो इस तरीके के एजेंडे चलाए जाते हैं। चलो मैम, अभी जैसे होड़ चली है, कंपटीशन चला है, सबसे पहले सबसे ज्यादा दिखाने की या सबसे पहले दिखाने की होड़ है मैम, ऐसे में कई बार फैक्ट वेरीफाई करना रह जाता है और दर्शकों को
एक मिस इन्फॉर्मेशन या गलत जानकारी या आधी अधूरी जानकारी परोस दी जाती है हमें, तो आप फैक्ट वेरिफिकेशन को या ऑनलाइन फैक्ट चेकिंग को किस तरह के सही मानते हो मैं? ये जो शुरू में होड है कि हम पहले दिखाएंगे इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, इस वक्त की हम बड़ी खबर आपको बता दें, तो ये क्या है कि पहले दिखाने की होड़ तो हालांकि चैनल्स में बनी हुई है, टीआरपी गेन करनी है आपको, लेकिन बाद में जब हम इस तरीके से ये चीजें चला देते हैं ना, बाद में तब उनकी क्लिप बनती है, तब उनकी जो फनी फनी जो क्लिप्स आती हैं, तो जो तमाम लोग हैं उनको भी महसूस होता है, अरे मैंने क्या कर दिया, अरे मुझे तो सोचना चाहिए था, अरे मुझे तो देखना चाहिए था। तो इस तरह जो है होड़ होती है, लेकिन उसमें कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं होता, उसमें तमाम लोग जिम्मेदार होते हैं, बताने वाले, लिखने वाले, टीवी पर जो है हम लोग जो है खबरें पढ़ते हैं, लिखने वाला कोई और होता है, और एंकर के ऊपर भी आउटपुट हेड होते हैं, वो बताते हैं कि किस खबर को प्राथमिकता देनी चाहिए। तो इस तरह की जो होड़ है वो हालांकि चैनल्स में बनी हुई है, लेकिन ये बात नहीं कि होड़ करके आप टीआरपी बड़े कम वक्त के लिए बना सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा वक्त के लिए आप उपहास के पात्र बन जाते हैं। एक बीच में कमेंट आया कि आपने फील्ड की रिपोर्टिंग की, बिल्कुल मैंने फील्ड की रिपोर्टिंग की है, और मैंने विधानसभा चुनाव जो है मैंने तमाम गांव देहात के चुनाव कवर किए, चाहे वो बिजली की समस्या हुई हो, और हरियाणा के गांव में तो समस्या जो है स्कूल की, परिवहन व्यवस्थाओं की, गलियों की, गलियां टूटी पड़ी हैं, और पानी की समस्या रही है, स्कूल जो है मैम दूरी कभी दूरी ऐसा पर रहा हैं। हो कि पॉलिटिकल प्रेशर का सामना आपने कभी करना पड़ा हो? बहुत मुश्किल सवाल है। मैम फिर भी बता दीजिए, इस क्योंकि तरीके की ज्यादातर जो हमारे इस तरीके की जो चीजें हैं वो हालांकि टीवी चैनल्स में तब होती हैं, तब एक तब पेड न्यूज तब कोई भी चैनल लेता है, पेड न्यूज तब होती हैं, और ये खास तौर पर चुनाव के वक्त होती हैं कि हमने आपको इतनी इतनी खबर के पैसे दिए हैं, तो आपके उसके बारे में पॉजिटिव ही बोलना है, चाहे अगला आदमी चाहे क्रिमिनल हो चाहे, और ये बड़ी हास्यास्पद बात है। चुनाव के दौरान में मैंने देखे हैं कि बहुत सारे नेता ऐसे जिनकी खबर है कि उन्होंने जो है ब्रेड के पैकेट बांटे उस बस्ती में, हमने आटा बांट दिया 50 किलो, लेकिन अब एक भी नेता कोरोना महामारी के चलते एक बार भी नहीं मिला, जिन्होंने विधानसभा चुनाव में बांटे थे, कि कोई ब्रेड बांटता मिला हो, कोई कुछ भी बांटता मिला हो, कोई कुछ भी नहीं। तो ये इस तरह की जो चीजें हैं खास तौर पर चुनाव के वक्त होती हैं, और चैनल्स में उस वक्त होड़ होती है, चैनल्स में उस वक्त मारा मारी होती है पैसा कमाने की, कि हमें कोई नेता हो, कोई इस तरीके से अगर हमें पेड न्यूज के लिए भी पैसे दे रहा है या हमें विज्ञापन के जरिए भी कुछ दे रहा है, तो वो चीज एक आवक के तौर पर उस वक्त महसूस की जाती है। लेकिन ये बात नहीं कि अगर दो पेड न्यूज चला ली तो ऐसा नहीं है कि हम मुद्दों से भटक रहे हैं, ऐसा नहीं कि ये चीजें हो रही हैं, ये खैर चलता रहता है, क्योंकि ये सोशल है कि मीडिया पे मैम कई बार होता है कि जैसे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हो अभी, तो सोशल मीडिया पे कितनी आजादी है कि आप अपना पर्सनल व्यू किसी खबर को लेकर प्रेजेंट करें मैम? आप सोशल मीडिया पर, जैसे मैं किसी चैनल से जुड़ी हुई हूँ, तो मैं ये हर चैनल पर डिपेंड करता है, मैं अपनी जो विचारों की जो स्वतंत्रता है वो पूर्ण रूप से लिखती हूँ, मेरे चैनल कभी भी किसी तरीके से नहीं रोकते नहीं टोकते, ये खास तौर पर उन लोगों के साथ होता है जहां पर एक एजेंडे की पत्रकारिता चलती है, जहां पर एक एजेंडे को माना जाता है, जहां पर ऑफिशियली उन चीजों को नहीं बताया जाता, जहां पर बहुत सारी कमियां रहती हैं, जहां पर वाकई ये लगता है कि आप लोग कमी में हैं और कहीं आपकी कोई कमी उजागर ना कर दे, ऐसे बहुत सारी मीडिया हाउसेस में हुआ भी है, जहां पर जो मुखर बोलने वाले उन्हें नौकरी से भी निकाल दिया गया है, लेकिन ऐसा कई मीडिया हाउसेस में है, लेकिन जो सोशल मीडिया है वो कई बार अपना पर्सनल हो जाता है, कई बार प्रोफेशनल हो जाता है, लेकिन मेरा मानना ये है कि मेरी फेसबुक जो है वो मेरी जर्नलिज्म नहीं है, मेरी फेसबुक जो है वो मेरे विचारों की, मेरे निजी विचारों की स्वतंत्रता है, जर्नलिज्म जो है वो हमेशा रही है, बोलने की आजादी मिली है, और जर्नलिज्म तब है तब मेरे हाथ में माइक है, इसके अलावा भी हमेशा जर्नलिज्म तो है ही, लेकिन खास तौर पर सोशल मीडिया पर हम अपने विचार भी रखते हैं, चाहे वो किसी पार्टी के प्रति हो, उनसे हो सकता है हमारा जो संस्थान है वो सहमत ना हो, लेकिन ये है कि कई चैनल्स हैं जो अपने इस तरीके के पत्रकारों पर रोक भी लगाते हैं कि आप इस तरीके से ना लिखिए, इस तरीके से ना कीजिए, जैसे ट्विटर पर भी हम लोग कई पत्रकारों को देखते हैं, चाहे वो कोरोना के चलते मुस्लिमवाद की बात हो, हिंदूवाद की बात हो, क्योंकि उनको वो एजेंडा दुनिया को दिखाना होता है, हमारे इधर तो कोई एजेंडा है ही नहीं।
तो इसीलिए हम तो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, खासतौर पर रीजनल मीडिया में, कि हम तो जो सच्चाई है उसको लिखो, चाहे वो गांव देहात की, चाहे वो कहीं की भी हो। रीजनल मीडिया में एजेंडे बहुत कम होते हैं, खासतौर पर हम अगर इलेक्शंस की बात करें तो इलेक्शन में जरूर इक्का दुक्का इस तरीके की चीजें देखी है कि पेड न्यूज आ गई तो चलो ठीक है। सोनिया सत्यनीता की कुछ खास यूएसपी जो उनको बाकी एंकर से अलग करती है? सबसे पहली बात ये है कि मैंने बचपन से ही लासलूसी पी है और बहुत ही हेल्दी फूड खाया है, तो मैं थकती नहीं हूँ। मैं लगातार कंटिन्यू 8 घंटे तक मैं बोलती हूँ, 8 घंटे अगर मैं सुबह जाती हूँ तो लगातार मेरे बुलेटिन होते हैं, और बीच में चाहे खाना मिले या ना मिले कभी चक्कर खा के नहीं गिरती हूँ। और ये है कि और मैं ये हम बोल सकते हैं कि द्विभाषी या एक बोली का आपको ज्ञान होना चाहिए, तो मैं अपने प्रदेश को बड़ी गहराई से समझती हूँ। चाहे मैं कहीं भी बाहर गई तो मैं उन लोगों में घुल सकती हूँ, उन लोगों में मिल सकती हूँ, तो लोगों में घुलना मिलना ये बहुत कम लोगों में है। तीसरी ये चीज होगी कि बहुत सारे एंकर्स हैं जो लिख नहीं सकते, जिन ये एंकर्स के सारे हम ये नहीं मान सकते कि सारे बौद्धिक लेवल पर बहुत अच्छे हैं, खास तौर पर जिनकी शक्ल अच्छी है जो बिठा दिए गए, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़के हो, उन क्या है कि वो जो बौद्धिक जो ठीक ठाक बालक हैं उनको पीछे धकेलते हैं, खास तौर पर उनमें बौद्धिकता नहीं होती, उनमें वैचारिकता नहीं होती, तो इस तरह के लोग जो हैं वो जो ढंग के बच्चे हैं उनको पीछे धकेलते हैं। तो क्या है कि मैं अपने जो विचार हैं वो बड़े मुखर तरीके से एक्सप्रेस करती हूँ, मैं बड़ी बेबाक हूँ, मैं डरती नहीं हूँ किसी भी चीज से, अपने व्यूज चाहे वो किसी भी तरीके से हो, लोगों में बड़ा अच्छा घुलना मिलना है, डाउन टू अर्थ हमेशा। मेरे कोई गांव का मिल गया, मेरे कोई हरियाणा का भाई बोल मिल गया तो मैं तो कभी नहीं देखती कि यहाँ 4 लोग खड़े हैं तो इसके बीच में तू हिंदी मार के बोली तो हिंदी काट के बोली, बिल्कुल भी नहीं। मैम, जो जर्नलिज्म के उसमें कैरियर बनाना चाहते हैं खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, तो उस कुछ खास सजेशन हो कि वो इस टाइम पे ये करें जो उनके फ्यूचर में काम आएगा? इस टाइम पे मैं बात करूं अगर टीवी जर्नलिज्म की, तो देखिए टीवी जर्नलिज्म से बेहतर अभी फिलहाल सोशल मीडिया है। टीवी को सोशल मीडिया मात दे रहा है, खासतौर पर जो वेबसाइट्स हैं वो आपको अच्छा पे भी कर रही हैं। टीवी जर्नलिज्म की अगर मैं बात करूँ तो देखिए मेरी जो स्टार्टिंग वो 7,000 रुपए से हुई। आप देखिए कि अगर किसी को 1 महीने तक या साल भर तक 7,000 रुपए मिल रहे हैं तो कितना वो कमा लेगा, कितनी वो सेविंग कर लेगा। तो टीवी जर्नलिज्म में पैसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ है तो आप आ सकते हैं टीवी जर्नलिज्म में, नहीं तो आप जो अच्छी वेबसाइट्स हों, क्योंकि देखिए वेबसाइट्स बहुत अच्छी जर्नलिज्म कर रही हैं, बात अगर चाहे हम किसी भी वेबसाइट की कर लें वो बहुत अच्छी जर्नलिज्म वहां भी की जा रही है। और ये बात नहीं कि हम टीवी पर आ गए खबरें बोल दी तो हम जर्नलिज्म कर रहे हैं, नहीं, ये जर्नलिज्म नहीं है। मैं खुद खबरें बोलना जर्नलिज्म नहीं मानती। जर्नलिज्म वो है जब हम लोगों के बीच में जाकर उनके मुद्दे उठाते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उनकी समस्याएं दिखाते हैं, लोगों को बुलवाते हैं, लोगों को हम इम्प्रेस नहीं करते, उनकी चीजें एक्सप्रेस करते हैं, ये जर्नलिज्म है। तो ये जर्नलिज्म नहीं है कि हम स्टूडियो में चले गए, बोल आए, अच्छे दिख लिए, बाल अच्छे बना गए, बहुत अच्छा मेकअप हो गया, अच्छे कपड़े पहन लिए, तो ये कोई जर्नलिज्म नहीं है। जर्नलिज्म ये है हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनसे उनकी समस्याएं जान रहे हैं, कोई प्रताड़ित हो रहा है, हमें उन लोगों की आवाज बनना है जो लोग नहीं बोल सकते, जो लोग उन चीजों को बोलना चाह रहे हैं, जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, हमें उन लोगों को दिखाना, चाहे वो किसान हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो जो मानवता के खिलाफ है, हमें उन लोगों को वहां भी आवाज उठानी है। तो टीवी जर्नलिज्म में आप तभी आए तब आपकी आर्थिक स्थिति बेहद ही ज्यादा सुदृढ़ हो और तब आपको लगता हो कि आप यहाँ पर सर्वाइव कर सकते, क्योंकि यहाँ पर सर्वाइव बहुत ही ज्यादा कठिन है। मैंने खुद मेरी जर्नी बताई कि बहुत सारी भूख भी देखी, बहुत सारी ऐसी तमाम अभाव भी देखे, तो मैंने तो ये चीज है कि हर कोई हिम्मत भी नहीं कर सकता, हर कोई संघर्ष की जो सक्षमता है वो भी उसमें नहीं मिलती। लेकिन यही चीज है कि अगर आप टीवी जर्नलिज्म में आए तो आप ये सोच कर आना कि आपको संघर्ष करना है, कोई आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। और अगर आप वेबसाइट में जा रहे हैं तो देखिए वहां पर एक तरह से स्वतंत्रता है लोगों से मिलने की, गांव देहात में जाने की, रिपोर्टिंग करने की। हमारे यहाँ क्या कि रिपोर्टिंग समय समय पर होती है, रिपोर्टिंग जैसे इलेक्शंस हो गई तब हो गई, अब जैसे किसान है अब हो गई, तो वहां पर क्या है कि हमेशा जो चीजें हो रही हैं रूट्स तक निकालने की, अपने विचारों को एक्सप्रेस करने, तो वहां पर ये आजादी है। तो मैं तो अगर कोई टीवी जर्नलिज्म में आ रहा है उनको यही कहना चाहूंगी कि आप भाषा का आपको ज्ञान ना हो, भले ही आपकी हिंदी अच्छी ना हो, भले ही आपकी कोई चीज अच्छी ना हो, बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आप जितना अभ्यास करते जाएंगे उतना ही आप निखरते जाएंगे। आप एक बार लिखने की कोशिश करिएगा, अगर आपको लगता है आपने बुरा लिखा है तो फाड़ दीजिए उसको, दोबारा लिखिए, बेहतर लिखेंगे आप।
और अगर आप आर्थिक स्थिति पर सोच रहे हैं कि आप मीडिया में आके बहुत कुछ कमा लेंगे, तो ऐसा नहीं है। बहुत कुछ से मतलब पैसे से, बहुत अगर आप कुछ पैसा कमा सॉफ्टवेयर लेंगे है तो ऐसा मैम। नहीं है। कुछ सॉफ्टवेयर जैसे आपका, जब भी आप फ्री होते हो तो आपका फेवरेट काम क्या रहता है कि मैं ये करूं जब मेरा भी आप फ्री फेवरेट काम होते होता है किताबें लिखना, पढ़ना और संगीत सुनना। संगीत मुझे अलग अलग भाषाओं का पसंद है। मैं हिमाचली गाने सुनती हूँ, मुझे जो है वो राजस्थानी गाने मैं सुनती हूँ, कन्नड़ गाने मैं सुनती हूँ, तो गुजराती गाने मैं सुनती हूँ। तो मुझे अलग अलग भाषाओं का संगीत सुनने का बड़ा शौक है। और मैं थिएटर मैंने किया, लेकिन परिस्थितियों के चलते थिएटर में आगे नहीं कर पाई, तो एक अभिनय बीच में है, तो इसीलिए मैं यूट्यूब पर जो जो हमारा सांस्कृतिक नृत्य है उसको मैं मैम, करने की कोशिश फिल्में करती देखने का हूँ। टाइम मिल जाता है आपको कभी? फिल्में मुझे कभी शौक नहीं रहा फिल्में देखने का। जो भारतीय सिनेमा है वो बड़ा डिप्रेस्ड है। भारतीय सिनेमा में मैं तो बड़ी वो तनाव में हो जाती हूँ। वही एक लड़का एक लड़की से प्रेम कर बैठता है और फिर वो घर परिवार वाले उसकी शादी नहीं करते। तो इसके अलावा जो मीनिंगलेस फिल्में वो मैंने कभी नहीं देखी। जो मीनिंगफुल फिल्में हैं, हम चाहे बात हम चाहे हम इरफान खान की फिल्मों की करें या इस तरह की फिल्मों की करें, जैसे एक पिंक फिल्म आई थी तो एक संदेश था उस फिल्म में, तो मुझे इस तरह की फिल्में देखना पसंद है। एक तुम्बाज फिल्म है जिसमें कि अलग अलग तरीके से डायरेक्शन किया गया, एक अलग तरह की स्टोरी है, तो मुझे इस तरह की स्टोरी पसंद आती है। लेकिन मुझे कभी ये प्रेम कहानियों की फिल्में मुझे कभी नहीं पसंद आई, ना मैंने कभी देखी। बॉलीवुड फिल्में देख ली एक दो, वेब सीरीज भी नहीं देखती मैं, बिल्कुल नहीं देखती। और जो फिल्में मुझे लगता है कि उस फिल्म में मीनिंग छुपा है, उस फिल्म में अर्थ छुपा है, मैं वो फिल्में ही मैम, प्रेफर करती कोई हूँ, वही जैसे देखती आपको हूँ। बुक लिखने का और पढ़ने का खासा शौक है तो एक कोई बुक सजेस्ट कर दीजिए जो हरियाणवी कल्चर को अच्छे से बयां कर सकती हो या पढ़ने में रुचिकर लगे, पूरी हरियाणवी सभ्यता को हम अच्छे से समझ पाए। अगर हम हरियाणवी इन किताबों की बात करें तो देखिए हरियाणवी में जो किताब है वो बहुत कम छपी है, बहुत कम हरियाणवी राइटर हैं जिन्होंने लिखा है। और जो हरियाणा की संस्कृति की जो किताबें हैं वो अलग अलग विधाओं में बटी हुई हैं। जैसे किसी ने पुरातत्व चीजों पर लिख दिया, जैसे किसी ने धरोहर पर लिख दिया, और जैसे किसी ने पुरानी चीजों पर लिख दिया, जैसे किसी ने कहावत पर लिख दिया। तो कोई ऐसा मैं ये नहीं कह सकती कि ये किताब ही आप पढ़िएगा तो ही इससे आपको सारी चीजों का पता चलेगा, ऐसा नहीं है। हरियाणा के साहित्य में बहुत ही बड़ी कमी से मैं कहूंगी कि हमारे हरियाणा के कल्चर को रिप्रेजेंट करती हुई कोई भी इस तरीके की किताब नहीं है कि जिसमें हम अपने तमाम कल्चर को देख सके कि 1980 में कल्चर क्या था, 1990 में क्या था, 2000 में क्या रहा, 2010 में क्या रहा। एक दो हरियाणवी उपन्यास आए हैं, जाट के बसून जाटनी, लेकिन वो वही है कि एक उपन्यास के तौर पर है। उनसे हम ये नहीं कह सकते कि हमें अब हमारी जो संस्कृति है या जो जो बदलाव आया है हमें उसका पता चला हो। तो इस तरह से जो हमारे हरियाणा का जो जो साहित्य रहा है उस साहित्य में जो इंफॉर्मेशन की जो चीजें हैं उनकी बड़ी कमी रही है। राइटर्स आए हैं, उन्होंने अपनी अपनी एक स्पेसिफिक फील्ड पर लिखा है। किसी ने जो है वो हिस्टोरिकल चीजों पर लिख दिया, किसी ने जो है कहावतों पर लिख दिया, इस तरह जी से मैम, है। तो कोई एक स्पेसिफिक बुक तो मैं नहीं बता पाऊंगी कि आप यही पढ़िएगा, क्योंकि अलग अलग थीम की अलग अलग बुकें हैं। हरियाणा की धरोहर एक किताब है, हरियाणा की साहित्यिक पृष्ठभूमि एक किताब है, तो इस तरह से जो किताबें हैं वो फ्यूचर शायद प्लान हो सकती। मैम, कभी अभी आपका भविष्य में क्या कुछ, कोई सपने या कोई उम्मीद, कोई बिल्कुल हाँ, अपेक्षाएं हो? भविष्य में मुझे ये है कि जब तक मेरा ब्याह होना था पहले मैंने बीबीसी ज्वाइन करना है। चलिए हाँ, तो मेरा अभी यही है मैम, कि मुझे बीबीसी ज्वाइन करना है। इंग्लिश बहुत अच्छी करनी है, बहुत अच्छी इंग्लिश स्ट्रोंग करनी, क्योंकि 6ठी क्लास से मैंने अंग्रेजी बोलनी शुरू की थी, पढ़नी शुरू की थी, तो अंग्रेजी में थोड़ा सा हाथ कमजोर है, तो इसलिए मुझे अंग्रेजी बेहतर करनी है, और बहुत बहुत ज्यादा शुभकामनाएं लोगों मैम। से मिलना है समय और ज्यादा जी ज्ञान अर्जन करना है। मैम, शुक्रिया, आपने इतना टाइम बहुत निकाला शुक्रिया, मैम, आपका भी बहुत तो इस शुक्रिया। समय की कमी है मैम हमारे पास, तो भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं मैम, बहुत बैंक बहुत न्यूज़ की तरफ शुक्रिया, से बहुत आपको, बैंक शुक्रिया, न्यूज़ बहुत के शुक्रिया, दर्शकों की ओर से। थैंक यू मैम। बहुत शुक्रिया।